नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो सब जानते हैं। फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाले नवाज पर्सनल लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाए। उनकी पत्नी आलिया और उनका रिश्ता लंबा नहीं टिका। आलिया ने नवाज पर कई आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद वो सुर्खियों में आ गईं। अब एक बार फिर आलिया सिद्दीकी लाइमलाइट में है अपने रिलेशनशिप को लेकर। हाल ही में आलिया ने बिग बॉस ओटीटी में एंट्री ली है, जहां वो अपनी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स बता रही हैं। बहुत से लोग नहीं जानते थे कि नवाज की एक्स वाइफ कौन थी, क्या करती थी, तो चलिए इस पैकेज में आपको बताते हैं। आलिया सिद्दीकी एक थिएटर एक्ट्रेसेस हैं। वैसे तो आलिया लाइमलाइट से दूर ही रहती हैं, लेकिन इन दिनों उनका नवाजुद्दीन के साथ विवाद काफी चर्चा में रहा था। दरअसल उन्होंने नवाजुद्दीन पर उनके साथ गलत रवैया करने के आरोप लगाए थे। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने नवाजुद्दीन के साथ अपने रिश्ते को लेकर कहा कि मुझे अपनी जिंदगी के 18 साल ऐसे शख्स को देने का काफी अफसोस है। मैं नवाज को 2004 में मिली थी और इस दौरान हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे। इसके बाद 2010 में हमने शादी की, लेकिन अब नवाज का रवैया उन्हें पसंद नहीं है। वो मेरे और बच्चों के साथ गलत रवैया अपना रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नवाज से चल रहे विवाद के बीच आलिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें वो किसी मिस्ट्री मैन के साथ नजर आई थी। उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वो अपनी जिंदगी दोबारा नए सिरे से शुरू करना चाहती हैं। क्या उन्हें अपनी जिंदगी में खुश रहने का हक नहीं है? इस फोटो को देखकर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया। लोगों ने आलिया के नमाज से अलग होने का कारण इस मिस्ट्री मैन को बताया। इन बातों का जिक्र उन्होंने बिग बॉस ओटीटी में भी किया है। जब सलमान ने उन्हें नवाज के बारे में पूछा, तो आलिया ने बिग बॉस में आने का कारण नवाजुद्दीन को बताया और कहा कि उन्हीं ने उसे शो में आने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि नवाजुद्दीन बच्चों को 1.5 महीने के लिए पेरिस लेकर गए हैं। आलिया ने कहा है कि बिग बॉस ओटीटी में आने का उनका मकसद खुद की पहचान बनाना है। लोगों में उनकी पहचान सिर्फ नवाज की वाइफ के रूप में है। बिग बॉस से अच्छा उनके लिए कोई मंच नहीं है, जिससे वो अपने करियर को नया मोड़ दे सकती हैं। बता दें कि आलिया ने नवाज के खिलाफ कोर्ट में दावा किया था कि नवाज और उनकी फैमिली उसे बहुत परेशान कर रही हैं। आलिया ने कहा कि उसे बाथरूम में बंद किया जाता था और खाना नहीं दिया जाता था, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस वापस ले लिया है। अब देखना है कि आलिया बिग बॉस में लंबे समय तक टिक पाएंगी या नहीं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।